चैनल चॉकलेट्स एंड मोर विद श्रुति। ये आप मेरा एक शूज़ देख रहे होंगे, कैनवस शूज़ जिसको मैंने पेंट किया है। आज मैं यही आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको पेंट किया है। आपके घर में पुराना कोई कैनवस के शूज़ या पीटी शूज़ जिसे हम कहते हैं वो रखा हो, उसको आप नया सा करना चाहते हो तो आप किस तरह से यूज़ करोगे। मैंने इसको सिंपल पेंट किया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है। सो उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, सबसे पहले तो पानी ब्रशेस धोने के लिए, और मैंने ये फेविक्रिल का नियॉन कलर्स नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। और इसमें चार कलर्स हैं, इसमें येलो है, ऑरेंज है, पिंक है और ग्रीन है। इसमें चार कलर्स का ये सेट आता है नियॉन कलर्स का, ये इन्होंने अभी जल्दी ही इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी शूज़ पे। और फेविक्रिल का ही ये 3D आउटलाइनर है, ग्लिटर, ये सिल्वर का ग्लिटर है जो कि मैं यूज़ करूँगी शूज़ के ये वाले पार्ट के लिए। इसके अलावा मैं ब्लैक कलर फैब्रिक, फेविक्रिल का फैब्रिक कलर्स का ब्लैक वाला शेड मैं यूज़ करूँगी, और ये ब्लू कैप वाला होता है ये फैब्रिक के लिए होता है। कपड़े के किसी भी चीज़ में आप इन कलर्स से पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा टिश्यू पेपर रखिए ब्रशेस पोंछने के लिए। मैंने फ़िलहाल दो ब्रशेस लिया है, एक 000 साइज़ का राउंड ब्रश और 5 नंबर का फ्लैट ब्रश। मैक्सिमम मैंने यही यूज़ किया है कलरिंग के लिए, और ये वाला मैंने थोड़ा सा ग्लिटर को फैलाने के लिए किया है। और इसके लिए शूज़ आपको चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनवस शूज़ आपके घर में अगर पुराने रखे हों आप उसको रिन्यू कर सकते हैं पेंट करके। मैंने ये नए लिए हैं छोटे बच्चे के साइज़ के। मैंने इसका लेस जो है मैंने वो निकाल दिया है क्योंकि मैं लेस में कुछ नहीं करूँगी, लेस को ऐसे ही वाइट छोड़ दूँगी और बाकी जो कलरिंग है वो मैं अपने शूज़ में करूँगी। मैं फ्री हैंड ड्रॉ करूँगी, आप चाहे तो इसमें कोई पैटर्न दे सकते हैं पेंसिल से, इसको पहले पैटर्न को आप इसमें ट्रेस कर सकते हैं उसके बाद आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है मैं फ्री हैंड करूँगी। मैंने ये वाला भी फ्री हैंड पेंट किया था तो मैं इसको बिल्कुल फ्री हैंड पेंट करूँगी। बिल्कुल आइडेंटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप आइडेंटिकल कर सकते हैं, जैसे कि बैक में जो मैंने बनाया है वो मैं वैसे ही बनाऊंगी, बट आगे की डिज़ाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ये शूज़ पहनोगे या आपका बच्चा आप ये शूज़ पहनेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो ब्यूटी है वो खिल के आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे कलर्स हैं पिंक, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, ये काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं। और मैं बहुत हल्का वाटर यूज़ करूँगी, पानी यूज़ करूँगी और इसको डाइल्यूट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई से भी कलर से आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसे ही पैटर्न अपनाना है। शेप्स दूंगी और उसके बाद मैं इधर का अलग डिज़ाइन से बनाऊंगी, वो मैं बताती हूँ आपको। बाकी सब कुछ इसका ऐसे ही होगा, इसमें बस जहाँ जगह लगे आपको वहाँ पे आपको ट्रायंगल्स या फिर डिफरेंट शेप्स बना करके कलर करना है। सी दिस इज डन, आई हैव पेंटेड इट।
जितना मैंने कहा था इतना मैं पेंट करूँगी पहले, तो मैंने इसको पेंट कर दिया है। आई विल वेट फॉर इट टू ड्राई आउट फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं इस जगहों पे मैं पेंट करना स्टार्ट करूँगी। और इसमें भी सेम अगेन आपकी चॉइस है, आप कौन से डिज़ाइन डालना चाहें डाल सकते हैं। बिल्कुल सिमेट्री नहीं आई है उस वाले से, बट जब आप दोनों शूज़ साथ में रखेंगे तो वो मिसमैच नहीं करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, तो इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसके सूखने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी इस तरफ पेंट करना, जो मैंने पीछे रेनबो जैसा पैटर्न बनाया है वो। रेनबो के लिए अच्छा होगा कि अगर हम इसको पेंसिल से हल्का ड्रॉ कर लें, बिकॉज उससे फिर बिल्कुल अच्छे से सिमेट्री आ जाएगी। मैंने चार कलर्स यूज़ किए हैं, तो इसमें चार लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल, और उसको आप अलग अलग कलर्स से पेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप ये एक ऑलरेडी शू मैंने पेंट किया हुआ है और उसके साथ को आपको रखना है, तो आपको इसी पैटर्न को अपनाना पड़ेगा और इसको पेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया है, तो मैं येलो कलर यूज़ करूँगी। पेंसिल से आप आउटलाइनिंग कर लें तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पेंट करना। यहाँ से मैंने इस शूज़ में मैंने गोल गोल डिज़ाइन बनाई है, राउंड राउंड डिज़ाइन बनाई है, तो ये मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो ये सिंपल है, ये भी मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है, फिर इसके आगे का दिखाते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी यहाँ से, और मैं जैसा मैंने एक शूज़ में बनाया उस तरह से मैं इस वाले में सेकेंड वाले में बनाऊंगी, क्योंकि दोनों में इतनी जो सिमेट्री होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सिमेट्री होनी चाहिए कि जो एक ही इंसान पहनेगा तो थोड़ा सा तो मेल खाना चाहिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, नीचे ऑरेंज कलर यूज़ किया है, ग्रीन किया है, फिर पिंक किया है, इसी तरह से मैं इसको यहाँ पर भी बनाऊँगी। लगाया है पिंक कलर का, उसके ऊपर येलो, फिर ग्रीन एंड ऑरेंज, तो इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक डेकोरेट करेंगे। और इधर भी देखिए, मैंने यहाँ पे भी जो फीता होता है लेस होती है, उसके होल के चारों तरफ भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बनाई है। ये दोनों तरफ ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। कैसा मैंने पूरा पेंट कर दिया है, और मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बच गया था तो मैंने डूडलिंग कर दी है ब्लैक से, और इसका जो ये आउटलाइनिंग है, लाइनिंग है जो ये वाली ब्लैक से करी है। आप किसी और कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसके साथ ब्लैक कलर बहुत अच्छा जाएगा। और अब मैं यूज़ करूँगी इसमें ग्लिटर, मैंने ये फेविक्रिल का सिल्वर कलर का ग्लिटर मैं यूज़ करूँगी, और मैं इसके यहाँ पे इस हिस्से पे, और जो ये ब्लैक से मैंने लाइनिंग की है इसको मैं ग्लिटर से फिनिश करूँगी। ग्लिटर के लिए मैं यूज़ करूँगी फ्लैट ब्रश, ये 5 नंबर का फ्लैट ब्रश है, और मैं ग्लिटर को सिंपल इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी पूरे में। आप जितना लगाना चाहें इसमें उतना आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो ड्राई जो पाउडर फॉर्म में होता है ग्लिटर वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रश से इसको पूरे स्पेस में अच्छे से फैला देंगे। और अभी ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तब इसमें शाइन आ जाएगी और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से शाइन करेगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पे लाइनिंग में करूँगी, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से पूरे में लगा करके, और ब्रश
ब्रश की मदद से इसको हल्का सा डैब कर दूंगी इसमें और इस तरह से ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। और फिर मैं इसको सूखने का वेट करूंगी और सूखने के बाद इस तरह से दिखेगा मेरा शूज। और आप चाहे तो इसको लेस को भी कलर कर सकते हैं, मल्टी कलर, आपके पास चार कलर है तो चार कलर से आप इसको भी लेस को भी पेंट कर सकते हैं, बट मुझे ये ऐसे ही अच्छी लग रही है। तो इस तरह से मैं अपना शूज़ पेंट करूँगी। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।